नमस्कार मित्रों, किरण ऑनलाइन स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम चल रहे थे सेकंड ग्रेड क्रैश कोर्स में, और आज ये एसएसटी का एक टॉपिक आपका समाजशास्त्र का, जिसमें मैं बात करूंगा। और आज बात करेंगे अपन जो है वो कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स के बारे में अपन थोड़ा उसका बेसिक जान चुके थे पहले, पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप देख सकते हैं। क्योंकि आपके अपने पास में ज्यादा समय नहीं है, तो उस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो बात करते हैं वर्ग और वर्ग संघर्ष की। वर्ग और वर्ग संघर्ष क्या है? मार्क्स के अनुसार सदैव दो वर्ग होते हैं। एक वर्ग आपका होता है शोषक वर्ग, जो शोषण करता है, जैसे उत्पादन के साधनों पर शोषक वर्ग का जो है वो स्वामित्व होता है, और पूंजीपति या बुर्जुआ वर्ग भी उसे कहते हैं। जबकि दूसरा वर्ग आपका होता है शोषित वर्ग। शोषित वर्ग जो है वो श्रमिक या सर्वहारा वर्ग होता है, और श्रम से ये जीवन यापन करता है। कौन सा? शोषित वर्ग आपका। तो शोषक और शोषित वर्ग परस्पर उन दोनों में संघर्ष बना रहता है हमेशा, क्योंकि जो श्रमिक वर्ग होता है वो अधिक से अधिक श्रम प्राप्त करना चाहता है, जबकि उद्योगपति जो है, पूंजीवादी वर्ग जो है, वो अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है। अपने हितों को लेकर यह संघर्ष चलता रहता है। हित उत्पादन के साधन एवं उन पर स्वामित्व, अर्थात आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए उनमें आपस में संघर्ष पाया जाता है, क्योंकि वो अपने आप संघर्ष चलता रहता है अपने हितों के लिए। मार्क्स, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, किंतु अधिक स्पष्ट रूप में वह वर्ग प्राणी है। वर्गों में विभाजित होने के कारण मार्क्स कहते हैं कि व्यक्ति जो है सामाजिक प्राणी के साथ साथ में वह एक वर्ग प्राणी भी है। जीविका उपार्जन के साधनों की बदौलत ही मनुष्य वर्गों में विभाजित रहता है, उनमें वर्ग चेतना पाई जाती है, क्योंकि जीविका उपार्जन के जो साधन है उनके कारण व्यक्ति जो है वो वर्गों में विभाजित रहता है। जैसे कि उत्पादन के साधनों में परिवर्तन, वैसे नए वर्गों का जन्म होता है। जैसे उत्पादन के साधन बदलेंगे, वैसे वैसे नए नए वर्गों का जन्म होगा। वर्ग ऐसे लोगों के समूह को कहेंगे जो अपनी जीविका एक ही ढंग से कमाते हैं, यानी एक ही तरीके से जो अपनी जीविका कमाते हैं। जैसे बर्तन बनाने वाला बर्तन बनाने का कार्य करता है, ठीक है, तो वो एक ही प्रकार के लोग इस कैटेगरी में आएंगे। सर्विस करने वाले सर्विस करने की कैटेगरी में आएंगे, शासक करने वाले शासन करने की कैटेगरी में आएंगे। इस प्रकार से इतिहास के प्रत्येक युग, साम्यवादी युग से अब तक, हमें समाज में वर्ग देखने को मिलते हैं। शोषक वर्ग शोषित वर्ग का शोषण करता है, और जब वह शोषण नीति उत्पीड़न ज्यादा हो जाता है, उसमें वृद्धि हो जाती है, तो दोनों वर्गों के बीच में संघर्ष होता है, और वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। और ये दोनों वर्ग जो वर्ग संघर्ष करते हैं, वो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जो आपकी मार्क्स की पुस्तक है उसमें उन्होंने बताया है। इसके बाद बात करते हैं अपन आधुनिक युग में। तो कल कारखाना में आदि में आसानी से वर्ग संघर्ष होता है। आपने देखा होगा कि जो कल कारखाने वगैरह होते हैं, वहां पे मालिक जो है वो अपने मजदूरों का शोषण करता है, और वहां पे वर्ग संघर्ष अक्सर हड़ताल वगैरह होती रहती है। पूंजीपति एवं श्रमिक वर्ग एक दूसरे की आवश्यकता होती है। वर्ग संघर्ष जो है वो उसका कारण, जैसे पूंजीपति और श्रमिकों के बीच में हमेशा एक दूसरे की आवश्यकता होने के बावजूद भी वर्ग संघर्ष होता रहता है, और इस संघर्ष के कारण क्रांति होती है, और क्रांति का कारण पूंजीवाद का विनाश हो जाता है। मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवाद का विनाश हो जाता है, और फिर साम्यवाद की स्थापना होती है। तो मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद स्वयं में अपने विनाश के बीज मौजूद होते हैं। मार्क्स के अनुसार है कि पूंजीवाद जो है वो अपने आप में उसके खुद के विनाश के बीज लेकर के मौजूद होता है। मार्क्स के वर्ग सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं की गई हैं, जैसे मालिक और मजदूर हमेशा संघर्ष नहीं करते हैं। कहा गया है कि मालिक और मजदूर हमेशा संघर्ष नहीं करते, क्योंकि संयोग से ही उत्पादन होता है। संयोग होगा तभी, एक दूसरे को संयोग करेंगे तभी उत्पादन संभव है। केवल दो वर्गों का उल्लेख किया है मार्क्स ने जो है वो इसमें, दो वर्गों का, एक तो आपका शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग, जबकि तीसरा वर्ग भी होता है आपका मध्यम वर्ग। परिवर्तन के लिए उत्पादन प्रणाली ही नहीं, जनसंख्या, संस्कृति, राजनीति, धर्म आदि भी उत्तरदायी होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उत्पादन प्रणाली पर
जोर दिया गया है। ऐतिहासिक भौतिकवाद, इतिहास का भौतिकवादी व्याख्या, मार्क्स के का महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये, और इसमें आर्थिक व्याख्या की गई है। पुस्तक आपकी जर्मन विचारधारा। मार्क्स इतिहास एवं सामाजिक विकास की व्याख्या, इतिहास कुछ व्यक्तियों से नहीं चलाया जा सकता है, जो है वो इस पुस्तक में जर्मन विचारधारा जो पुस्तक है उसमें बताते हैं कि इतिहास कुछ व्यक्तियों से नहीं चलाया जा सकता है। मार्क्स भौतिकवाद की मुख्य सामग्री जो है वो मानव तथा उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले यंत्रों को मानते हैं। इतिहास का काल विभाजन, मार्क्स ने प्रत्येक घटना वर्ग का संघर्ष का इतिहास जो है वो बताया। उत्पादन संबंध एवं आर्थिक प्रणालियों के आधार पर पांच प्रकार का बताया। आदिम साम्यवादी युग, आपके आदिम साम्यवादी युग की बात करें तो ये युग इतिहास का प्रथम युग था। आपका ये जो युग था वो आपका इतिहास का फर्स्ट था, ठीक है। और इस समय लोग धनुष बाण का प्रयोग करते थे। एक तो आपके धनुष बाण का प्रयोग इस युग में किया जाता और शिकार करके एवं फल फूल एकत्रित करके अपना जीवन यापन करते थे। परिवार और विवाह जैसी संस्थाएं नहीं थी, निजी संपत्ति नहीं थी, उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व था, ठीक है, और निजी संपत्ति नहीं थी। और दूसरे युग दासत्व युग की बात करते हैं अपन इसके बाद में, ठीक है, तो आपका दासत्व युग आता है। जिन व्यक्तियों का भूमि और उत्पादन के साधनों पर अधिकार था वे कमजोर लोग दास बनकर उन लोगों से काम लेने में लगे रहते थे। व्यक्तिगत संपत्ति की धारणा पैदा हो गई और इस वजह से दो युग बने। एक आपका दासत्व युग में हो गया आपका, एक तो स्वामी और दूसरे हो गए दास। फिर इसके बाद बात करते हैं सामंतवादी युग की, तो जिसमें उत्पादन के साधनों पर राजाओं और सामंतों का अधिकार था। एक तो आपके राजाओं का अधिकार था और एक आपके सामंतों का अधिकार था, जबकि छोटे छोटे किसान जो है वो राजाओं से भूमि लेकर उस पर खेती करते थे। किसानों को सामंतों के यहाँ बेघर खेत में खेती करनी पड़ती थी, उन्हें सामंतों की सेना में सिपाही के रूप में लड़ना पड़ता था। इसके बाद चौथी बात करते हैं आपके पूंजीवादी युग की, तो पूंजीवादी युग का उदय औद्योगिक क्रांति के कारण हुआ है आपका, ठीक है। युग का कारण क्या है? औद्योगिक क्रांति। और इसमें बात करें तो कुटीर व्यवसाय नष्ट हुए और उनके स्थान पर बड़े बड़े कारखाने स्थापित हो गए। इस युग में ही पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करने लगे और दोनों वर्गों में संघर्ष हुआ। जो मार्क्स ने जिस संघर्ष की बात की है वो आपका पूंजीवादी युग में ही हुआ है, ठीक है। और इस संघर्ष की बदौलत ही आपके पांचवे युग का जो है वो उदय होगा और वो आपका समाजवादी युग। मार्क्स के अनुसार जो है वो तीन युग बीत चुके हैं, तीन फर्स्ट वाले आपके आदिम साम्यवादी, दासत्व युग और समतावादी युग बीत चुके हैं। पूंजीवादी युग आपका रनिंग है, अभी चल रहा है, और समाजवादी युग पांचवा जो है वो आने वाला है। ये आपको मैं एक फैक्ट बताता चलूं, 5 अक्टूबर को विश्व आवास दिवस मनाया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। आगे हम बात करेंगे मैक्स वेबर की, तो बने रहिए। मैक्स वेबर 1864 से 1920 तक, जन्म आपका जर्मनी में हुआ और ये कानून के विद्यार्थी थे। जो मैक्स वेबर थे वो आपके कानून के विद्यार्थी थे। कानून के अतिरिक्त राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, धर्म एवं इतिहास आदि पर भी बहुत कुछ लिखा। समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का अर्थपूर्ण बोध कराता है, अर्थात समाज सामाजिक अंतःक्रिया की ही अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति है। जो मैक्स वेबर है उन्होंने कहा कि जो है वो समाज सामाजिक अंतःक्रियाओं की ही अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति है। समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धति में आदर्श प्रारूप की व्याख्या जो है वो आपके आइडियल टाइप धारणा की एक नवीन विचारधारा भी मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत की गई। समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धति में आदर्श प्रारूप की अवधारणा प्रस्तुत करने का श्रेय उन्हें जाता है। विश्व की 6 महान धर्मों का अध्ययन, विश्व के प्रमुख जो 6 महान धर्म हैं, उनका अध्ययन उन्होंने किया, जो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी वगैरह। और धर्म का समाजशास्त्र नाम की विचारधारा उनके द्वारा प्रस्तुत की गई। सामाजिक क्रिया, अधिकारी तंत्र, नौकरशाही, सामाजिक वर्ग, सत्ता आदि पर मौलिक चिंतन प्रस्तुत किया। तो मौलिक चिंतन जो है वो प्रस्तुत करने का श्रेय भी आपका मैक्स वेबर को ही जाता है। वेबर की प्रमुख रचनाओं को आप देख लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद करनी पड़ेगी, तो और मैं आपको तब तक बताता रहता हूँ।
जो है वो आपकी पहली है, वो है द प्रोटेस्टेड एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। फिर दूसरी है आपकी द रिलीजन ऑफ इंडिया, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद में द सिटी, एसेज इन सोशियोलॉजी, ये इसकी प्रमुख जो है वो पुस्तकें हैं, और ये सभी जर्मन भाषा में लिखी गई थी और बाद में इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। अब समाजशास्त्र के विकास में आपके मैक्स वेबर का क्या योगदान है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मैक्स वेबर, सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन वस्तु माना। जो मैक्स वेबर है उन्होंने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन वस्तु माना है। इसके बाद वेबर, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है, जिससे कि इसकी सामाजिक क्रिया गतिविधि तथा परिणामों के कारण सहित व्याख्या प्रस्तुत की जा सके। ठीक है, वेबर ने बताया कि समाजशास्त्र वो विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण, जो भी अपन सामाजिक क्रियाएं करते हैं उनका अर्थपूर्ण बोध जो है वो समाजशास्त्र में कराया जाता है। वेबर ने किसी भी क्रिया सामाजिक क्रिया मानने से पूर्व चार बातें मानने को कहा। किसी भी क्रिया को आप सामाजिक क्रिया तभी मानेंगे जब उनके द्वारा बताई गई चार बातों को आप फॉलो करते हैं। जैसे पहली क्रिया अपन देख लेते हैं, सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान एवं भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। वेबर ने बताया, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि यदि कोई व्यक्ति भूतकाल में उसे दी गई गाली का बदला लेने के लिए अपने शत्रु से मारपीट करता है, कोई व्यक्ति है आपने भूतकाल में उसको गाली दे दी और इसका बदला लेने के लिए वो आपसे मारपीट करता है, ठीक है, तो उसकी ये प्रतिक्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार से नेता के साथ भीड़ द्वारा नारेबाजी व जय जयकार करना भी सामाजिक क्रिया है, क्योंकि भीड़ का व्यवहार नेता के व्यवहार या क्रिया या प्रतिक्रिया का परिणाम है। दूसरी बात, प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है, ठीक है, जड़ पदार्थों एवं बेजानदार पदार्थों से प्रभावित क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं माना जा सकता। उदाहरण के लिए बिजली कड़कने पर डर जाने से बच्चे द्वारा चीख पड़ना सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि यह क्रिया बीजानदार पदार्थ या घटना के प्रति व्यक्त की गई, यानी कोई भी घटना आपके जो है वो सजीवों द्वारा जो भी की जाता है उसी को सामाजिक क्रिया माना जाएगा, बेजानदार वस्तुओं में सामाजिक क्रिया सम्मिलित नहीं है। तीसरी आपके बात करते हैं, मनुष्य के प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक संपर्क नहीं होता है। कैसे, जिसे आपने देखा होगा कि कर्ता द्वारा दूसरों के व्यवहार के अर्थपूर्ण रूप से संबंधित और प्रभावित हो। उदाहरण के रूप में यदि सड़क पर दो साइकिल सवार टकरा जाते हैं और बिना एक दूसरे को कुछ कहे चले जाते हैं, ठीक है, दो साइकिल वाले जा रहे हैं एक दूसरे से टकरा गए और बिना कुछ कहे उठ के चले जाते हैं, तो ये सामाजिक क्रिया नहीं है। इसके स्थान पर यदि टकराने के बाद दोनों गाली गलौज या मारपीट होती तो उसे सामाजिक क्रिया कहा जाता, यानी संपर्क हर बार सामाजिक क्रिया नहीं है, लेकिन संपर्क के द्वारा सामाजिक क्रिया होती भी है, ठीक है। चौथी बात करते हैं अपन, सामाजिक क्रिया न तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया को कहते हैं और न ही उस क्रिया को कहते हैं जो कि केवल दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित होती है, ठीक है। उदाहरण के लिए सड़क पर कुछ व्यक्ति जा रहे हैं, यदि वर्षा आने पर सभी व्यक्ति अपना छाता लगा लेते हैं तो ये उनकी क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी। इसका कारण यह है कि छाता लगाने का क्रिया एक दूसरे व्यक्तियों की क्रिया से कोई संबंध नहीं होकर वर्षा से संबंध है। इसी प्रकार दूसरे व्यक्तियों की क्रियाओं का अनुकरण भी सामाजिक क्रिया नहीं है, जब तक कि वह दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों की क्रिया से अर्थपूर्ण रूप से प्रभावित न हो। एक व्यक्ति को एक रास्ते में जाते हुए देखकर यदि दूसरा व्यक्ति भी उसी रास्ते पर जाता है तो ऐसा करना सामाजिक क्रिया नहीं है। इसके विपरीत अध्यापक के ड्रिल करने के साथ साथ यदि छात्रों द्वारा उसका अनुसरण किया जाता है तो यह सामाजिक क्रिया होगी। कक्षा में कोई आपको जो बताया जाता है, जैसे कोई अनुकरण करता है कोई विद्यार्थी किसी शिक्षक का, तो वो आपकी सामाजिक क्रिया मानी जाएगी। इसके बाद सामाजिक क्रिया के प्रकार मैक्स वेबर के अनुसार, तो इसके चार प्रकार उन्होंने बताए हैं, तार्किक क्रिया, मूल्यांकन क्रिया, प्रभावात्मक क्रिया और परंपरात्मक क्रिया। थोड़ा सा इनके बारे में विश्लेषण कर देता हूं, लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन आप समझ लेना इसे। तार्किक क्रिया का संबंध आपके किसी लक्ष्य के साथ होता है, जैसे एक पुल का निर्माण करते समय एक इंजीनियर की क्रिया, ठीक है, धन कमाने के लिए एक व्यापारी की क्रिया आप देख लीजिए, ठीक है, युद्ध में सफलता प्राप्त करने के लिए आपकी एक सैनिक की क्रिया, ठीक है, या उसके अधिकारी जो है उसकी क्रिया, तो इन सबको जिसके लिए वो अपने
योजना बनाता है या सचेत रहता है इन सारी क्रियाओं के लिए, वो आपके तार्किक क्रियाओं में आती है। इसके बाद आप बात करते हैं मूल्यांकन क्रिया की, जिसे एक डूबते हुए जहाज के साथ में उसके कैप्टन का डूब जाना। डूब तो वो जहाज रहा है, लेकिन उसके साथ में आपके उस पे बैठा हुआ कैप्टन भी डूब जाता है, तो वो आपके मूल्यांकन क्रिया में आएगी। जबकि कैप्टन ये भली भांति जानता है कि जहाज छोड़कर अलग नहीं होने से उसे सदा के लिए जीवन से हाथ धोना पड़ता है, फिर भी वह जहाज छोड़ने के बजाय मर जाना ज्यादा अच्छा समझता है, क्योंकि जहाज छोड़कर चला जाना किसी भी रूप से सम्मानजनक कार्य नहीं होगा। तो यहाँ मूल्यांकन क्रिया होगी आपकी। फिर इसके बाद बात करते हैं प्रभावात्मक क्रिया। इस प्रकार की क्रिया का संबंध व्यक्ति के संवेगों और उद्वेगों और भावनात्मक दशाओं से होता है, जैसे आपके प्रेम, इसमें आपके आ गया प्रेम, दया, घृणा, ठीक है। जैसे किसी के गाली देने पर क्रोधवश उसकी हत्या कर देना प्रभावात्मक क्रिया का ही उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद आपके आता है परंपरात्मक क्रिया। तो परंपरात्मक क्रिया की बात करते हैं, ये वे क्रियाएं हैं जिनमें प्रथाओं, परंपराओं और प्राचीन काल से चले आ रहे व्यवहारों का है, जैसे मृत्यु पर मृत्यु भोज का आयोजन करना परंपरा से चला आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो भी क्रियाएं होती है वो आपके परंपरात्मक क्रियाओं के उदाहरण है। वेबर कहते हैं, समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं का अर्थपूर्ण बोध या निर्वचन किया जाता है, ठीक है। अर्थपूर्ण बोध, आपके किसी घटना के दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो होता है आपका सामान्य अर्थ, ठीक है, और दूसरा अर्थ होता है आपका बोधपूर्ण या तार्किक अर्थ, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है सामान्य अर्थ। और जैसे कोई मोटरसाइकिल वाला जा रहा है, ठीक है, अचानक रोड पर गिर करके और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो कुछ लोग तो उसे सिर्फ केवल एक्सीडेंट मानेंगे, ठीक है, लेकिन तो उसे हम सामान्य या औसत अर्थ कहेंगे। लेकिन इसी के पीछे आपने पता किया कि एक्सीडेंट का कारण आपने पता किया, ठीक है, एक्सीडेंट का कारण पता चला कि बाइक सवार ने हेलमेट नहीं लगा रखा था, एक बात, दूसरा उसने शराब पी रखी थी, शराब का सेवन, तो इसके पीछे आपने तर्क निकालना, अपना बुद्धि का इस्तेमाल किया, तो वो आपका आ जाएगा बोधपूर्ण या तार्किक अर्थ में। समाज शास्त्र में अर्थपूर्ण सामाजिक क्रियाओं की तार्किक व्याख्या की जाती है। वेबर ने प्राकृतिक विज्ञानों के नियमों तथा समाज शास्त्र में भी भेद किया। प्राकृतिक नियम या जो है उनमें खोज करने का कार्य किया जाता है, जो भी प्राकृतिक नियम होते हैं उनमें खोज करने का कार्य किया जाता है, जबकि आपके समाज शास्त्र में सामाजिक व्यवहारों को समझना, और वो भी ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर, जो भी इतिहास में जितनी भी घटनाएं घटी हैं उनके आधार पर उनके व्यवहारों को समझने का कार्य किया जाता है। वेबर ने समाजशास्त्र के अर्थपूर्ण बोध और इन क्रियाओं के कारणों और परिणामों और उनके सामान्य नियमों को बात करने ज्ञात करने को महत्व दिया। उन्होंने जो अर्थपूर्ण बोध था उसको ज्ञात करने पर बहुत ज्यादा बल दिया है। वेबर का पद्धति शास्त्र महत्वपूर्ण देन है ये वेबर की पद्धति शास्त्र, जो इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। विशेषताएं क्या हैं देख लेते हैं। इसमें अर्थपूर्ण अवलोकन पर बल दिया गया, ठीक है, इसमें क्या है, अर्थपूर्ण अवलोकन पर बहुत ज्यादा बल दिया गया था, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं वेबर जो है इसमें क्या है। वेबर के समाजशास्त्र में निर्वचनात्मक या अवबोधन समाजशास्त्र भी कहते हैं, ठीक है, वेबर का जो समाजशास्त्र है उसे निर्वचनात्मक या अवबोधन समाजशास्त्र भी कहते हैं। दूसरा, प्राकृतिक विज्ञानों की भांति सामाजिक घटनाओं को समझने और कार्य कारण संबंधों के आधार पर व्याख्या। तीसरा, तुलनात्मक अध्ययन पद्धति अपनाने पर जोर दिया है, जो है वेबर ने, वो जो है तुलनात्मक अध्ययन यानी दूसरे विषयों के साथ में समाजशास्त्र की तुलना करते हुए अध्ययन करने पर ज्यादा जोर दिया। आदर्श प्रारूप यानी आदर्श प्रारूप की स्थापना करने पर वेबर द्वारा बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो आदर्श प्रारूप तो वास्तविकता के समान है और न औसत विशेषता है, इसका संबंध नैतिकता और मूल्यांकन से भी नहीं है, वरन यह तो अध्ययन का एक यंत्र है। आदर्श प्रारूप जो होगा वो आपका अध्ययन का एक प्रमुख यंत्र है। सब कुछ के अध्ययन के बजाय यानी सारा के सारा पढ़ने के बजाय हम कुछ घटनाओं को चयन कर लेते हैं, जैसे किसी घटना विशेष घटनाओं का चयन करके अध्ययन करने से ज्यादा फायदा होगा। वस्तुनिष्ठ अध्ययन, हमें जो है वो वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना चाहिए, न कि मूल्यांकन अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि मूल्यांकनात्मक जो अध्ययन होता है वो वैज्ञानिक नहीं होता है, इसलिए हमें वस्तुनिष्ठ। समाजशास्त्र क्या है
वास्तव में क्या होना चाहिए और क्या है वर्तमान में, अच्छा बुरा सही गलत उचित अनुचित आदि के आधार पर जो है वो हमें व्याख्या करनी चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारे चैनल किरण ऑनलाइन स्टडी को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सब्सक्राइब तो बनता ही है, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस क्रैश कोर्स का फायदा मिल सके, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और दूसरा कमेंट करके बताइए, ये कमेंट नहीं आते हैं वीडियो में, छोटा सा एक सेकंड लगता है आपको कमेंट करने में, कमेंट करके बताइए आप क्या चाहते हैं, कैसे वीडियो चाहते हैं आप, तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम।